रामनवमी के शुभ अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र पलामू एवं देश के तमाम वासियों को मेरी ओर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर के भाईचारे के साथ रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। राजद की ओर से हेमंत सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा के इशारे पर 1932 का खतियान का बहाना बनाकर आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। राजद के कार्यकर्ता भाजपा के किसी भी साजिश को सफल होने नहीं देंगे। निश्चित रूप से हमें लगता है कि इसमें बीजेपी हो चाहे आसू हो, सभी लोग अंदर अंदर से नहीं चाहते हैं वैसा, लोग मैंने चाहते हैं 1932 के खतियान का, जहाँ तक बात है 32 के खतियान क्यों लागू होगा, जो झारखंड में पूर्व से रहते आ रहे हैं बरसों बरसों से हैं, तो कोई भी वैसा राज्य नहीं रहा है जो कोई टारगेट फिक्स कर दे कि 32 का खतियान, कहीं 70 में सर्वे हुआ है तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, इसके बाद कहीं आदिवासी भाई है चाहे हमारे शेड्यूल कास्ट लोग हैं चाहे जनरल कैटेगरी के हों, किसी भी जाति समुदाय के भी लोग हैं जिन्हें गरीब मानते हैं, गरीब हैं, उन्हें घर घर भी नहीं है, और घर मिला भी है तो कहीं गर्भजरुआ ज़मीन पर बना करके, सरकारी ज़मीन पर बना करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, तो उन लोग को खतियान 32 का खतियान कहाँ से मिलेगा कि यहाँ के निवासी मूल निवासी का प्रमाण पत्र बनाएंगे। इसलिए बेतुका बात है, 32 का खतियान नहीं होना चाहिए। जो यहाँ झारखंड में रह रहा है सभी झारखंडी हैं, और सभी लोग का चाहे नौकरी हो या चाहे रहने का अधिकार हो, सभी लोग का सम्मान मिलना चाहिए। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।